नमस्कार दोस्तों, आप एक किसान हैं और आप पीएम किसान सम्मान निधि योजना में 2-2 हज़ार करके साल के 6 हज़ार रुपये दिए जाते हैं। अगर आप उसका लाभ ले रहे हैं तो सरकार की तरफ से पीएम किसान पोर्टल पर 2 बड़े बदलाव किए गए थे, पर उसमें से सेल्फ EKYC ऑप्शन को रिमूव कर दिया गया था। सरकार ने 31 मई 2022 को कम समय को ध्यान में रखते हुए पोर्टल पर फिर से सेल्फ EKYC ऑप्शन जोड़ दिया गया है, जिससे किसान जनसेवा केंद्र जाकर या अपने मोबाइल फ़ोन लैपटॉप से घर बैठे KYC कर सकते हैं। उसके लिए आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक होना बेहद ज़रूरी है। अगर आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो आपको जनसेवा केंद्र जाकर अपनी EKYC करानी होगी। अगर आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक है तो आप अपने मोबाइल फ़ोन या लैपटॉप के क्रोम ब्राउज़र में जाएंगे और सर्च बार में सर्च करेंगे pmkisan.gov.in। स्क्रॉल डाउन करना है तो वहाँ पर आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, EKYC ऑनलाइन रिफंड, यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही इस कंडीशन से पेज खुलेगा, यहाँ लिखा होगा आधार OTP KYC, तो आपको यहाँ पर आधार नंबर डालना है जिससे आप बेनिफिशियरी हैं। आधार नंबर डालने के बाद आपको सर्च बार यहाँ लिखा है सर्च, तो सर्च पे क्लिक करना है। दोस्तों मैं सर्च पे क्लिक कर देता हूँ। सर्च पे क्लिक करते ही आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, यहाँ पर एक आधार नंबर जो हमने अभी फिल किया है और उसके नीचे मिलेगा आधार रजिस्टर मोबाइल नंबर, तो यहाँ आपको आधार रजिस्टर मोबाइल नंबर नहीं डालना है दोस्तों। अभी यहाँ आपको कोई भी टेम्परेरी जो आपके मोबाइल नंबर मोबाइल चल रहा है चालू है उसको यहाँ पर डाल देंगे। तो दोस्तों मैंने यहाँ अपना मोबाइल नंबर डाल रखा है, तो अब यहाँ गेट मोबाइल OTP पे क्लिक करेंगे। ये मोबाइल फ़ोन पे OTP आ गया है, मैं यहाँ पे OTP डालूँगा। OTP डालने के बाद सबमिट OTP पे क्लिक करेंगे। तो दोस्तों मैं यहाँ सबमिट OTP लिखा है, यहाँ मैं क्लिक करता हूँ। पे क्लिक करते ही इस कंडीशन से साइट खुलेगी दोस्तों। अब उसके बाद लिखा है गेट आधार OTP, तो इस पर हम क्लिक करेंगे तो जो आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक है उस पर एक OTP सेंड किया जाएगा। तो दोस्तों मैं इस पर क्लिक करता हूँ। तो दोस्तों इनके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक नहीं है इसलिए यहाँ पर OTP नहीं आया। अगर आपके मोबाइल पर OTP आता है, आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक है, तो सबमिट फॉर ऑथेंटिकेशन पर क्लिक करते ही आपके KYC हो जाएगी दोस्तों। और आपको कुछ नहीं करना है क्योंकि वो आधार कार्ड से OTP डालते ही डिटेल होती है वो आपकी फैच कर लेता है और ऑथेंटिकेशन की कोई ज़रूरत नहीं होती और आपकी KYC सबमिट हो जाती है। तो इसको बड़े ही आसानी से आप अपनी KYC कर सकते हैं। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल पर नई नई अपडेट की वीडियो आती रहेंगी। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।